तो आज हम हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपने ये एक बाउल में ये लेना है राइस। उसके बाद आपने इसको पकाना है, जैसे हम राइस पकाते हैं ना वैसे ही पकाना है। तो एक बाउल में ये मैंने ये लिया राइस, और इतने दो बाउल लेने हैं वाटर के। तो ये मैंने इसको ऐसे पका लिया और मिक्सी जार में ब्लेंड करने के लिए डाल दिया। ये आप देख सकते हो, जो हमने ऐड करना है सबसे पहले दूध। तो ये हमने 1 कप दूध ले लिया है, और ये हम अपने पके हुए राइस में डाल देंगे ब्लेंड करने के लिए। बनाएंगे पेस्ट पहले। हमारी पेस्ट बन के ऐसे रेडी हो गई है, तो मैंने इसको बाउल में कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं बता दूं कि ये हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम आपने कितनी बार अप्लाई करनी है। तो आपने वीकली 2 टाइम अप्लाई करनी है इसको, तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें इतने इंग्रेडिएंट भी नहीं ऐड हैं, ये राइस है और दूध है। और अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ये कोकोनट ऑयल। ये मैंने 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग कोकोनट ऑयल डाल दिया है। और उसके बाद हम ये डालेंगे विटामिन ई कैप्सूल्स। तो ये विटामिन ई के कैप्सूल हमने 2 डालने हैं। तो ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये हमारे हेयर को स्ट्रेट करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो ये मैं 2 डालूँगी। ये चीज़ें डालनी हैं, तो अब हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे और फिर अप्लाई कर देंगे हेयर्स पे। तो आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, रूट से लेके टिप्स तक। तो मैं आप इसको अप्लाई करके बताऊंगी, और आपने इसको वीकली 2 टाइम यूज़ करना है। ये इनके हेयर हैं, तो इसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कैसे आपने ये रूट से लेके टिप तक अपने एंड तक लगाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अपना हेड क्लीन करना पड़ेगा शैम्पू के साथ। तो हेड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपने ये अप्लाई करना है। तो आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, आपने छोटे छोटे सेक्शन ले लेने हैं, जैसे हम रिबॉन्डिंग करवाते हैं ना वैसे ही सेक्शन ले लेने हैं। और इसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके इसको अपने हाथों के साथ लगाना है, क्योंकि ये कोई हार्मफुल प्रोडक्ट तो है नहीं, तो हम इसको हाथों के साथ अच्छे से लगा सकते हैं। तो मैं इसमें हाथों के साथ ही अपने लगा रही हूँ। चाहे तो ब्रश के साथ भी लगा सकते हो, पर हाथ के साथ बहुत अच्छे से ये मर्च हो जाएगा आपके हेयर्स में। आपने पूरे हेड पे अच्छे से रूट से लेके टिप तक अपने एंड्स तक अच्छे से अप्लाई करना है। ये नहीं है कि अपने रूट्स पे लगा लिया और टिप तक अच्छे से नहीं लगा। तो आपने पूरा इसको लगाना है रूट से लेके टिप तक। तो आपको इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो इससे आपके हेयर भी ग्रो होएंगे और आपके हेयर स्ट्रेट होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने ज़्यादातर एक और बात ध्यान में रखनी है कि आपने बन बना के रखना है। अगर आपने स्ट्रेट करने हैं हेयर, या तो खुले छोड़ो या फिर बन बना के रखो। अगर आप अपनी चोटी बनाओगे तो आपके फिर से कर्ली होंगे। तो जितना हो सके चोटी को अवॉइड कीजिएगा, या तो आप पोनीटेल कर लीजिए या खुले छोड़ लीजिए। राइस में कॉलेजन प्रोडक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें हमारे हेयर्स को बहुत ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट भी होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसको रीग्रोथ भी मिलती है। तो ये मेरा लग के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे अपने रूट से लेके टिप्स तक पूरा लगाया है। तो आपने इसको वॉश करने का जो तरीका है ना, वो है लुक वार्म वाटर। तो आपने इसको ठंडे पानी से नहीं वॉश करना है, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी से वॉश करोगे तो आपका ही अच्छे से नहीं निकलेगा, इसलिए लुक वार्म वाटर यूज। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इनके एक ही बार में कितने सिल्की लग रहे हैं, स्ट्रेट भी लग रहे हैं। तो आपने इसको वीकली 2 टाइम ज़रूर करना है। तो आप 1 मंथ में अपने हेयर्स के रिज़ल्ट देखोगे कि आपके हेयर्स कितने स्ट्रेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।